नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हुंकार 24/7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। पूरे देश इस वक्त बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर के सदमे से उभरा भी नहीं था कि अब एक और एक्टर की आत्महत्या की खबर सामने आई है। जी हां, खबर है कि मराठी एक्टर आशुतोष ठाकरे ने सुसाइड कर लिया है। आशुतोष 32 साल के थे। आशुतोष ने कथित तौर पर महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी है। पुलिस के मुताबिक आशुतोष का शव नांदेड़ स्थित उनके बंगले में लटका हुआ मिला। आशुतोष एक महीने पहले नांदेड़ आए थे। मराठी फिल्म इंडस्ट्री में आशुतोष के निधन से शोक की लहर है। आशुतोष के अचानक चले जाने से फैंस सदमे में हैं। आशुतोष ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया है, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। बता दें कि आशुतोष फिल्म एंड टीवी एक्ट्रेस मयूरी देशमुख के पति थे। 21 जनवरी 2016 को मयूरी और आशुतोष शने शादी के बंधन में बंधे थे। दोनों की बॉन्डिंग शानदार थी। उनका नांदेड़ के गणेश नगर इलाके में बंगला था। कुछ दिन पहले ही दोनों अपने घर आए थे। आशुतोष इंडस्ट्री में काफ़ी चर्चित एक्टर थे। उन्होंने इचार ठरला पक्का नाम की फिल्म की थी। इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था। म्यूरी भी महाराष्ट्री इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस है। उन्हें सीरियल खुलता कली खुलेना के घर घर में पहचान मिली। दोनों की एक्टिंग को काफी पसंद किया जाता है, लेकिन फिलहाल अभी पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ रही है। बॉलीवुड की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए हुंकार 24/7 न्यूज के साथ। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।